साथियों, हमारा संगठन एक जीवंत इकाई है। हम कार्यकर्ताओं को परिवार मानने वाले लोग हैं, अपनी पार्टी को अपनी निजी प्रॉपर्टी मानने वाले ये गौर परिवारवादी लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। भाजपा संगठन शक्ति और कार्यकर्ता के बल से चलने वाला दल है। दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं जिनके लिए धन बल और बाहुबल यही उनकी ताकत है। भाजपा कार्यकर्ता देश के लिए काम करते हैं, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर इदम न मम इसके भाव से काम करते हैं। हम सभी के लिए हमेशा से व्यक्ति से ऊपर दल और दल से ऊपर देश, यही हमारा जीवन रहा है। हम चुनाव जीतते हैं लेकिन साथ ही लोगों का दिल भी जीतते हैं। पहले जिन गौर परिवारवादियों ने सरकार चलाई, उनकी पार्टी की पहचान के साथ गुंडागर्दी और माफियावाद जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की पहचान उसका कार्यकर्ता है और भाजपा कार्यकर्ता की पहचान उसकी सेवा है। कोरोना काल इसका ताजा उदाहरण है। इस दौर में पार्टी ने सेवा ही संगठन अभियान चलाया और मैं जानता हूं कि किस तरह भाजपा हर कार्यकर्ता जनसामान्य की सेवा के लिए लगा रहा। हमारे कार्यकर्ताओं ने लोगों तक राशन पहुंचाया, घर घर दवाइयां पहुंचाई, मास्क बांटे, जरूरत पड़ने पर रक्तदान किया, बुजुर्गों को इलाज की सुविधा जुटाने में मदद की। बनारस में कितने विदेशी नागरिक भी फंस गए थे लेकिन काशी के लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं होने दी। जनता जनार्दन की सेवा और राष्ट्रभक्ति का यही भाव लेकर आपको हमेशा लोगों के बीच जाने का जो हमें सूत्र मिला है, जिसको काशीवासियों ने सिद्ध किया है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। हम सेवा करने ही राजनीति में आए हैं। ये एक दो दिन की रिहर्सल नहीं, एक दो साल का कोर्स नहीं, बल्कि ये सेवा एक महायज्ञ है जो जीवन की आखिरी सांस तक अनवरत चलते रहना चाहिए।